हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये टच साउंड सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टच साउंड का। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी टच साउंड सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अभी टच साउंड सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी पेज पर होंगे या फिर आपने किसी भी एप्लीकेशन को आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप अपने उसमें जो है पेज में किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को आप टच करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन से एक साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना टच साउंड सेटिंग इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ कि कैसे अपना ये टच साउंड सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम टच साउंड। ठीक है, इस तरीके से टाइप कीजिए टच साउंड, तो आपको नीचे की साइड में टच साउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।